दीजिए, मतलब कि आप सभी लोग सस्त होंगे, मस्त होंगे, बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा है। गाइस आज हम लोग जा रहे हैं मार्केट नवरात्रि का सामान लेने, और आगे का मैं आपको दिखाते हैं। और गाइस ये देखिए मम्मी भी जा रही हैं, मम्मी का फ़ोन आ गया है, मम्मी फ़ोन में बात करते करते जा रही हैं। यहाँ पर हम नारियल ले रहे हैं 30x30। आज मार्केट में भीड़ ये स्टाइप के सारे कलर स्टाइप के आएंगे। ये नहीं यार, लाल ही बाकी है। नहीं लाल तो मैम लगता है, लाल तो कॉमन हो गया ना, ये थोड़ा लेटेस्ट हो गया आइटम ये, फिर भी नवरात्रों में। गाइस अब यहाँ पर मम्मी पहन रही है चूड़ी, इसके बना रहे हो, और मैंने भी पहन ली है दत्ता सिंह दोनों लिए। गाइस मैंने तो पहन ली ये वाली, यहाँ से वो कहेंगे यहाँ बड़े हो रहे हैं, बीच में नहीं जाते हैं यहाँ, वही तो यहाँ पर ऐसे हो जा रहे हैं। मैं तो घर में वैसे इनको तो मैंने पकड़े बना रखे हैं, पूरे से मोले देखे अलग अलग बना रहे निकाल दीजिए ना। देखिए गाइस राधा रानी की दुकान में कितनी भीड़ है, आज हम इसीलिए यहाँ नहीं गए क्योंकि यहाँ पर हमें पिछली बार 2 घंटे तक खड़ा रहना पड़ा। मैं जा रही हूँ आज बुआ के वहाँ, और देखते हैं बुआ कहाँ है, अभी तो दिख नहीं रही। सदा सौभाग्यवती। और क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं यार, बैठी हूँ। बाबरे तो कहाँ हरा गई, कहाँ कल आए थे ना। हाँ कहाँ गायब रहती तू आजकल, बिल्कुल बाबरे दिखती भी नहीं है, कहाँ है। ऐसा भी मत कह दो। अरे यार तुम फोन क्यों नहीं किया फिर तुमने? मैं शाम के समय वॉकिंग चली जाती हूँ ना। अच्छा मेरे घर में ही होगी फिर, मेरे घर सासू माँ आई है, यहीं होंगी तू करके, और सासू माँ को देखने भी नहीं आ पाई यार। हाँ यार, हाँ वेदांत ने कराया तो सही, भी पूछती तो सही, मेरे वो मिले तो थे उस दिन, मिले तो थे वो गाड़ी में, क्या कहते मैंने पूछा भी नहीं, फिर कह रहे होली के दिन। हाँ कल शाम भी कह रहे होली के दिन वो तो मिले थे, होली के दिन बधाई दे रहे थे, कह रहे कि क्या कहते ठीक हो करके। मैंने कहा हाँ, अरे मैं वहाँ लामाचौड़ से आ रहा हूँ, होली होली खेल के आ रहा हूँ, ये वो करके। अच्छा हाँ वो सुबह लामाचौड़ को चले गए थे ना, मैंने सारे कपड़े धोए थे इसके। हाँ यार आजकल मैं भी सफाई कर रही हूँ नवरात्रि की, रखा है ये। और सुना और सब बढ़िया हो रहा है? तुम आए हो गया, मुझे बड़ा अजीब सा लग गया, कहा कुछ। अच्छा। किसने कहा? मेरे से सरोज आंटी ने कहा। अच्छा हाँ, मैंने कहा मैंने वो भी नींद रखी है सो करके। हाँ। मुझे अभी नींद है, मैं भी तो बीमार हो गई बीच में, कितनी बीमार हुई मैं होली के टाइम पे, बना ही नहीं पाई। हाँ मैंने कहा यार आज फिर मायके चली गई, वहाँ पर सो था ना, जागर वगैरह थी ना। अच्छा अच्छा जागर थी, फिर उसमें चली गई, फिर मैंने कहा वहाँ से आके मैंने कहा पिटोली भी दे आती हूँ सही तो अच्छे हो रहे थे यार, भुजिया भुजिया खाए हमने, फिर मुझे तब अफसोस हो गया, मैंने कहा मैं कल जरूर जाऊंगी बुआ के यहाँ करके। यार अच्छा किया तुमने, आई अच्छा लगा। और क्या? हाँ और आपके यहाँ मेहमान जैसे भी तो आए हैं। अरे मेरी भाभी आई है, जब भाभी से मिलाती हूँ तुझे। कहाँ बैठी हैं? उधर बैठी हैं। हाँ चल ए सब ऐसे क्यों बना रखा है किचन। ये देखिए गाइस हमारे फूफा जी ने अभी अभी नया नया किचन बना रखा है, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ये हमारी बुआ का मंदिर गाइस, ये देखिए काम कर सुमा में थे होय। अच्छा ये मेरी भतीजा है प्रणाम, बस रे ये मेरी भाभी है। और भाभी ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। कब आए आप? मैं आज आई हूँ यार 2:30 बजे। अरे आज ही आए हो, आज ही ये काम में लगा दिया क्या बुआ ने? ये बुआ ऐसी है वाले यार, सबको काम में लगा दी यार, काम में लगा दी है, मतलब खुद लग जाता है। नंदू के यहाँ ऐसे करना पड़ने वाला है अभी ना, नंदू का काम ही करना पड़ता है, रॉब मार देने वाले ठहरे भौजियों को ना, रॉब नहीं मारनी हो सीधी है ना, मतलब भौजी मतलब खुद ही कर देती है। अच्छा हाँ अपना फर्ज समझ गए वाले, अपना फर्ज समझ के, अपना अपना फर्ज समझ के खुद कर लेते हैं, और क्या रॉब मारते हैं, रॉब मारने से पहले ही कर लेते हैं। हाँ उनको मौका ही नहीं देते हैं वाले। आपका भी तल्ला ही है ना? ना रामगढ़, हमारा मायका जी गया, हमारा तो मोना है। अच्छा रामगढ़ हमारी चाची भी यहाँ पर रहते हैं, रामगढ़ तल्ला रामगढ़ में। तुम्हारा घर नहीं है, मायका नहीं है रामगढ़ है, चाची चाचा लोग रहते हैं ना, तो लोग रहते हैं। तो तुम्हारी मम्मी कहाँ रहती है? मेरी मम्मी तो मोनालेश्वर रहती है, वहाँ से नीचे थोड़ा। वो कहाँ बैठे रहा? वो सीतला से आगे।
उड़ा रहे सारे सुना है हमारी मम्मी नहीं रही हम गा रहे हैं मतलब ऐसे है ना जागर वगैरह में जाते रहते हैं और इंटर कॉलेज में तो पापा लोगों ने पढ़ रखा चाचा लोगों ने सबने पढ़ रखा वहाँ पर और इंटर कॉलेज से ऊपर हमारे तो बहुत ही चढ़ाई में है इन्होंने भी तो पढ़ा रखा है इनकी दादा ने इंटर कॉलेज में पढ़ा रखा है और इनकी दीदी ने हाँ तो उनको अब पापा लोग तो हमारे बहुत बड़े हुए फिर है सब लोगों ने तो रामगढ़ी पढ़ा था इन्होंने वही तभी तो कह रहे हैं हमारा घर ही वहाँ चाचा चाची रहने वाले हम हिल्डन चले गए अच्छा जो इंटर कॉलेज नहीं है इधर को जो रोड कटी है ऐसी इधर को उधर को यहीं पर एक हाँ सपने में तो नहीं अब तो हम बहुत जाते हैं ना हमारे वहाँ बहुत ही पूजा पाठ जागरण वगैरह का चलता रहता है और पहले से तो हम कभी कभी जाते थे तब तो छोटे ही थे फिर जैसे जाते ही घर ही हुआ वैसे तो कहाँ पर हुआ घर एक ताऊ जी लोग तो तल्ला रामगढ़ में रहते हैं मतलब तल्ला रामगढ़ से नीचे रामगढ़ से ऊपर कुल्लू में रहते हैं सामने वाला जैसा गाँव है ना हाँ वहाँ सामने गए हैं हमारा तो वैष्णो देवी से चढ़ाई है बहुत ही ऊंचे में वही गाड़ के पार उधर को हाँ गाड़ के पार ऊपर है टॉप में जहाँ पे सीना है चाचा लोग घर के सामने उधर को क्या पहाड़ी है गौनाम जी पहाड़ सीना स्टेट हमारे जो एक चाचा एक ताऊजी रहते हैं सीना स्टेट में एक ताऊजी रहते हैं नीचे कुल्लू में कुल्लू कहते हैं उनसे पता नहीं कुल्लू जैसा कहते हैं कुल्लू वाले ताऊजी कहते हैं हम ना एक वहाँ रहते हैं बाकी हम लोग जाते रहते हैं खैर अब तो लेकिन ऐसे गांव होंगे नाम हम नहीं पता है योगा छोड़ दिया पेट वेट बढ़ा लिया तुमने भी अब हाँ यार कितनी मोटी हो गई आप भी तो ऐसी हो गया अब कब जाएंगे अब जाते हैं अब योगा मत करो तुम ऐसा करो तुमको चार रोटी की भूख है दो खाओ और सब्जी ज्यादा खाओ एक महीने बाद मेरे साथ मिलना फिर आज मिलाना यार ये हो जाओगे सही कह रहा लेकिन कहाँ यार भाभी हमको कुछ नहीं होता हमारे है मैं और वो एक से ही है पेट वेट बढ़ा के निकल लेते हैं हम ना खाते रहेंगे फिर खाना नहीं छोड़ सकते चार रोटी की भूख है तो ही खाना मुझे चार की है तो हम आठ ऐसा खा देते हैं ना मैं भी ऐसी करती हूँ मैं भी सोचती आज खा लेती हूँ कल से छोड़ वही तो आज आपको यकीन नहीं होगा मुझे तीन महीने से भी ज्यादा हो गए वो आपको यकीन नहीं होगा तीन महीने से ज्यादा हो गए मैं रोज चावल खा रही हूँ शाम को बच्चे खाते ही नहीं मेरे खाना क्यों बनाते हो चावल तो मैं नहीं खाता भी कम बनाओ ना भाभी वो बच ही जा रहा है अरे तुम जितना बना रहे हो ना एक बार जितना बना रहे हो उससे कम खा दो तो उससे कम खाओ था आज मैं मार्केट गई थी आज भी एक कुकर में चावल दाल सब पड़े हैं और मैं बाजार में खाई चाउमीन मोमो हुमो जो गलती किसी है अब पापा से मैंने कहा चावल इतने क्यों बचे हैं कहा मेरे को डरी थी शाम को मुझे ही खाने पड़ेंगे वो कह रहे तूने खाना नहीं खाया मैंने किसने कहा मेरे लिए बनाना उनने चावल बना दिया हाँ अब उन्हें दाल चावल में दाल भिगा गई थी मैंने कहा देर हो जाएगी तो बना देना मेरे को चावल फिर बन जाते कभी बनाने मैं रोज सोचती हूँ ना लेकिन फिर लोग तो ठहरा बच जाएंगे तो खाई लो और किचन में बैठ के चुपचाप खाती हूँ मैं तेरे तो मेरा कितने लोगों का मन हो गया डुबके देख के कल फट के डुबके गले में दर्द नहीं होती ना आजकल मेरे को गले में बहुत ही हो जा रहा है हाँ खाई लेती सही आज ही बचे हैं आज डुबके थोड़ा ना बनाएंगे आज दाल बनाएंगे कल के डुबके बचे हैं तुम खाओगे तो मैं ले आऊंगी कल के मत खिलाना यार क्यों बासी निकला हूँ तुम्हारे नंदू ना बची हाँ यार भाभी और ये देखिए गाइस इधर भाभी और शादी में बताए मेरे को कितनी भाभी मिली है यार सब मेरे को ऐसी प्यार देती है यार नहीं वाकई में हमारी बुआ है भी अच्छी यार मम्मी भी बहुत तारीफ करती है आपकी इसकी मम्मी तो मुझे बहुत ही मानती है यार सही में मम्मी क्या भी नहीं था अपने घर की तरह सही में हर चीज में यार हाँ इतना तो मुझे क्या कहते हैं घर वाले भी मान लोगे जितने मेरी मम्मी मानती है सही है किस्मत वाले हो आप बहुत तो मेरे बाबू भी ऐसे कह रहे थे कह रहे बेटा तू बहुत किस्मत वाली है यार घर के सही में अभी तक वैसे भी आप हुई यार फिर भगवान आगे को ऐसे बुलाए रहे हाँ सही में बहुत ही ज्यादा सब वो भी तो फूफा जी भी तो कितना अच्छा मानते हैं आपको भले आप फूफा जी को अच्छा नहीं मानते हो इसमें कह रही थी फूफा जी को अच्छा नहीं मानते ब्लॉग भेज देना नहीं यार बुआ बेचारी भी फूफा जी को बहुत याद करती है कल मैंने कितना कहा इनसे कल मिले थे आप परसों मिले थे बैठो बैठो कह रही थी उन्होंने कहा फूफा जी का फोन आने वाला है ना तो मिलेगा तो एक टाइम मिलता है ना फिर मिलता है नहीं मिलते ना आप कब आएगी फूफा जी फूफा जी आ जाएंगे मई में आ जाएंगे तब चलो हम बुआ का मन ऐसे ही बहलाए रखते हैं तेरे वहाँ होते हैं पहाड़ वाले दे ही ना दे क्यों रामगढ़ में तो होते हैं होते भी कौन लाता है हाँ यार अब मेरे माइके साइड में भाभी भेजेगी
बीवी भेजेगी तो भाभी भेजेगी। लाला भेजती है भाभी, अब तो ब्लॉग में आ गए हो तुम। काफल तो मेरे दलाई भेजते हैं, बुलाए दलाई भेजते हैं, हर बार वही खिलाते हैं। मैं तो मेरे को तो आप तागन नहीं है, पहले से मैं जाती थी तो खाती भी उतना ही थी, मुझे खाने का शौक ही नहीं है तो तागन ज्यादा है। पहले से मेरा ये भात रहता था, काफल रहते थे, भात खाती थी, ऐसे काफल खाती थी। बाप रे इतना छमान देते, अब मैं छोड़ दिया। काफल होती है, तो सही, नहीं मिला तो सही, अब नहीं है, अब बिछैन जैसी हो गई। पहले इतना अच्छा मानती थी मैं। अच्छा फिर अब हमारी बुआ अपने डॉगी को घुमाने आ रही हैं। वो इसका नाम क्या है? इसका नाम ब्राउनी। ब्राउनी ब्राउनी को घुमाने जा रहे हैं। और ये गाइस बोलो, अब बोलो, अब बोलो गाइस, हम ब्राउनी को घुमाने जा रहे हैं। मेरे भजिया के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कुछ नहीं कर रहे हैं गाइस, कुछ नहीं कर रहे हैं ये गाइस। बहुत ब्राउनी तो मेरे को दौड़ा ले आपको जा रहा हूं। हमारा ब्राउनी देखो कैसे दौड़ा रहा है हमारी बुआ को। गाइस देखिए ब्राउनी दौड़ा दे रहा है, दिख रहे हो आप इसमें? बुआ